मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जनता से अपील की। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आपराधिक किस्म का नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे पर भी हमला कराने की कोशिश की थी। दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, दिवाली तो उन्हीं की मनेगी क्योंकि उनके सारे कांटे 10 तारीख को निकल जाएंगे। वहीं 28 सीटों पर कांग्रेस के जीत के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा सर्वे तो राहुल गांधी की टीम ही कर सकती है। भोपाल मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद के प्रदर्शन को लेकर वीडी शर्मा ने कांग्रेस से सवाल किया कि अब तक मसूद पर क्या कार्रवाई की गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका जवाब जनता 3 नवम्बर को देगी। इस 28 विधानसभा के चुनाव में मैं मध्य प्रदेश के उन सभी मतदाताओं को जो 28 विधानसभा के अंदर, मैं अपील और आह्वान करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान करते हुए इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और एक संवेदनशील नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसको स्थायित्व ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके इस मध्य प्रदेश में इतिहास बनाएं। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग, कांग्रेस के जो नेताएं, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह जी हों चाहे कमलनाथ जी हों, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में गुंडिज्म के आधार पर जो जाना चाहते हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमको संयम और शालीनता तो बरतना ही है, लेकिन इस प्रकार के गुंडों का ताकत से जवाब भी देना है कि इस प्रकार की बात अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेगा तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसे नहीं बैठा, इसका आपको ठीक से जवाब भी देगा। दिवाली तो मनेगी ही क्योंकि दिग्विजय सिंह के सारे कांटे निकल जाएंगे 10 तारीख को। एक कांटा पहले निकाला, दूसरा कांटा एक और बचा है तो वो भी 10 तारीख को बोरी बिस्तर बांध करके चले जाएंगे। और जहां तक 28 के 28 सीटें जीतने की बात है तो 28 के 28 सीटें हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ही, उनकी जो एजेंसी है सर्वे की, वो कर रही होगी। आरे मसूद ने आतंकवाद के समर्थन में भोपाल के अंदर जो तांडव किया, दुर्भाग्य कि कांग्रेस ने, कमलनाथ जी, या देश आपसे पूछना चाहता है, सोनिया गांधी जी से ही पूछना चाहता है, मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता है कि जिस आपके कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने आतंकवाद का समर्थन किया उसके खिलाफ कांग्रेस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर नहीं की, आप आतंकवाद के साथ खड़े हैं, तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं की जनता भी जानती है कि आतंकवाद के साथ समर्थन देने वाले लोगों के साथ जाना है कि जो देश के लिए और भारत माता की रक्षा के लिए खड़े होने वाले लोग हैं उनके साथ जाना है।